अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्टेजेस ऑफ द ब्लेसिंग द वर्ड्स ऑफ द विजडम वॉल्यूम 9 में हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 6809-6809 सफर नंबर 38 के ऊपर इनलाइटन द यूनिवर्स ऑफ द हार्ट्स विद काबा। बड़ी मुख्तसर और जामे बात है। इनलाइटन के बहुत से सिनोनिम भी हैं, बहुत से एनोनिमस भी हैं और बहुत बड़ी बात है। इनलाइट का मतलब ये होता है कि रोशन करना। यूनिवर्स ऑफ द हार्ट्स जो है वो दिलों को रोशन करना, तमाम दुनिया कायनात के दिलों को रोशन करना, कायनात के दिलों को रोशन करना विद काबा, अल्लाह ताला के घर से जो है वो तमाम दुनिया को जो है वो रोशनी मिलती है। अल्लाह ताला के घर जो है तमाम दुनिया के दिलों को रोशन करता है। इसके बहुत ज्यादा मायनी है। परेशानियों को दूर करना, दिलों को खोलना, नॉलेज को मुहैया करना, रिमूव द कंफ्यूजन, मुतलिक किस्म कंफ्यूजन करना, क्लियर अप करना, रूहानी तौर पे जो है बेहतर करना, स्पिरिचुअल पावर देना, तो तमाम दुनिया को काबतुल्लाह जो है ये रूहानी तौर पे बेहतर करता है। ये जिस्मानी तौर पे बेहतर करने के अलावा ये स्पिरिचुअल जो है वो चीज है। जैसे चिराग के इर्द गिर्द रोशनी होती है, इसी तरीके से जो है पूरी दुनिया के इर्द गिर्द जो है वो रोशनी है काबतुल्लाह की, और वो दिलों को मुनव्वर करता है और दिलों के जितने भी जो है नुकसान, दिलों के भेद जो है उनको जो है वो रोशनी मुहैया करता है। इस तरीके से इसके बहुत ज्यादा जो है मायनी है। इनलाइट करना जो है, रोशन करना जो है, इसके बहुत से मायनी है। तो ऑफ द यूनिवर्सल हार्ट जो है दिलों को पूरी दुनिया, यूनिवर्स का मतलब पूरी दुनिया, कुल आलम, आलमी जो है वो रब्बुल आलमीन जो है, हम उसको रब्बुल आलमीन कहते हैं। तो जब रब्बुल आलमीन है तो इसलिए जो है वो तमाम आलमीन के जो है वो रब है, इसलिए तमाम आलमीन जितने भी जो है उसके जितने भी बंदे हैं उनके दिलों को मुनव्वर करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बहुत से मैनी कुछ अल्फाज जो है 63 मैनी इसके जो है वो है, 9 मैनी बड़े अहम है जिनमें जो है वो बचाना, बचाना, महफूज करना, रूहानी रोशनी, यकीन में तब्दील करना, खुद मुख्तारी, रास्ता, हदी, ये अल्लाह ताला के सब नाम है प्यारे से, दिलों को खोलना, बेहतर करना, ऊपर उठाना, जिम्मेदारी लेना, तबलीग करना, महफूज करना, पढ़ना और उसके बाद जो है वो दाल बनाना और जो है ये हमारे अंदर यकीन मोहकम अमल पहम मोहब्बत फातह आलम जहाद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। तो इस तरीके से जो है तमाम लोगों के अंदर जो है स्पिरिचुअल पावर जो है मुहैया करना, ये असल में जो है यूनिवर्सल के अंदर जो है कमाल है। तो तमाम दुनिया के अंदर जो है स्पिरिचुअल पावर अल्लाह ताला के खाना काबा से जो है मिलती है। तो इस काबा को जो है वो आबाद रखना जो है वो हमारा काम है। हमारे दोस्त वहां जाते हैं तो आप करते हैं, एक नजर जब काबा को पढ़ लेती है तो अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। तो ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह की रोशनी है, इसमें से जो है तमाम दुनिया जो फायदा उठा रही है और ये चारों तरफ जो है इसके तवाफ करने से जो लोग बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है जी, जिसमें जो है वो मखालफीन के साथ बेहतर सलूक करना जो है बहुत जरूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मखालफीन से बेहतर सलूक किया करते थे।
जिसकी वजह से तमाम मुखालफीन जो है इनके जो है वो दाई हो गए थे और जिसकी वजह से तमाम मुखालफीन जो है वो आपकी इज्जत को एहतराम करते थे और बहुत से लोग जो है आपकी खामोशी से, आपकी मोहब्बत से, आपकी उसरे अखलाक से और जो है वो मुसलमान हुए। इस्लाम जो है तलवार के दौर पर नहीं चला बल्कि मोहब्बत, प्यार और सलूकत पाक और अपनी जो है वो रवादारी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो है महफूज हुआ। इसी तरीके से वमार सल्ला इल्ला रहमतुल्लाह रबीन रबीकर सल्लम जो है वो रसूल की मजम्मत नहीं करते बल्कि जो है वो हर एक की जो है वो शफकत करते और नरमी इख्तियार करते। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है मोहब्बत वल्लाह जिंदगी का असल मतलब यही है कि अखलाक़े आलिया को इबादत जानकर अपनाएं और वाक़ियाते तारीख का हिस्सा बहुत ज़्यादा जो है वो गैर मुसलमानों को मनफी तर्ज अमल को देख कर इस्लाम ना लाने की तरफ ना लाए बल्कि इस्लामी नुक्ता नज़र को बेहतर करने की कोशिश करें। हम जो है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बने ताकि जो है वो रोशनी की किरण जो है बेहतरीन दाई वो है जो जबान से पहले अपने किरदार से दावत दे, यानी कि एक जो है वो वालिद जो है वो उसके अंदर वो किरदार होना चाहिए कि जिसके अंदर जो है वो अपने आप को बेहतर भी साबित करे और अपने आप को जो है ये ताकि लोग उसके तरफ मुतवज्जा भी हों और वो लोगों को सफा भी दें और लोगों को जो है वो दुआ भी दें और लोग उसकी तरफ जो है वो ज्यादा से ज्यादा रागब हो। इस्लाम जो है गरीबों की तरफ जो है वो ज्यादा गरीबों से ज्यादा फैला है तो हमें जो है गरीबों के अंदर जो है अपनी मोहब्बत और प्यार और सलूक अतफाक से जो है वो ज्यादा उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो बंदा जो है गरीबों के अंदर पॉपुलर होगा वो जो है वो लाजमी अमीरों के अंदर भी पॉपुलर हो जाएगा। अल्लाह हमारे दिलों को मुनव्वर कर देते हैं और दूसरे को दिलों के अंदर हमारी मोहब्बत पैदा कर देते हैं जब उनसे हम अच्छा सलूक, मोहब्बत, प्यार और अच्छे जो वक़ार से हमें इंसान की इज्जत करनी चाहिए, इंसानियत की इज्जत करनी चाहिए, उसके वक़ार इज्जत की जो नहीं करनी चाहिए। तो आज का सच्चा वाक़या जब मैं आपको बयान करता हूँ कि मैं हॉस्पिटल के अंदर रहता हूँ सिविल अस्पताल में, तो वहाँ पे जो जजों की कोठी है सामने, वहां से हम पानी लाते थे, वो फिल्टर बंद है अपनी का, मस्जिद का फिल्टर भी खराब हो गया है और इस तरीके से चार फिल्टर हमारे साथ जो है वो भी खराब है। तो मैं कोस्तान अड्डे पे जो है वहां पे जो है फिल्टर लगा हुआ है वहां से पानी लेने गया, तो एक दिन हाकर ने मुझे पहले भी मना किया था कि आप यहाँ से पानी ना लेके जाया करें, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप मुझे मैनेजर से बुला लें, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो आज भी वो मेरे पास आकर आया कि मैंने आपको पहले भी मना किया था, तो मैं उसके साथ मैनेजर के पास चला गया, मैंने उसको जो है वो तारफ करवाया अपना कि मैं हकीम हूँ, तो वो उठ के खड़ा हो गया मैनेजर। उसने इस कदर मुझे इज्जत दी, इस कदर मेरा एहतराम किया कि उस हाकर को कहा कि डॉक्टर साहब को पानी जो है ये खुद ला के कैन को जो है भर के डॉक्टर साहब की गाड़ी के ऊपर रखो और आइंदा से डॉक्टर साहब को कभी भी जो है जहमत न दो, जब भी डॉक्टर साहब आए खुद पानी भर के डॉक्टर साहब को दिया करो, बल्कि मैं तो ये आपको ऑर्डर करता हूँ कि इनके घर में पानी पहुंचाया करो। ये एक हकीम की इज्जत और वैल्यू है। इस तरीका से हकीम तो बहुत बड़ा लफ्ज है, अल्लाह ताला का नाम है। सिर्फ मैंने उसको जो अपना तारफ करवाया तो वो इस कदर जो है मुतासर हुआ कि सर आप खुद तशरीफ ला रहे हैं पानी लेने के लिए। मैंने कहा भी बच्चों के लिए तो करना पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो जो है वो मेरे इस रवैये से और मेरे जो है अखलाक से बहुत मुतासर हुआ और उसने अपने हाकर को डांटा कि डॉक्टर साहब जब भी तशरीफ लाए इनको जो है ये आपने खुद पानी भर के देना है, इनकी गाड़ी पे कैद रखना है और जो है ये आपने इनकी इज्जत करनी है। और इस तरीका से जो है आज हमारा टॉपिक जो है वो आखिरी कड़ी की आखिरी बातें हैं, यानी कि हकीम अजमल खान रहमतुल्लाह अलैह की जो है ये आखिरी बातें कुछ और उनके मार के जो है बयान कर चुके हैं। दो मार के तो मैं आपको सुना चुका हूँ, एक जो है वायसराय हिंद की बीवी की मतलब जिनको जो है वो चल नहीं सकती थी, फालिद का मरज था और उनको ठंडक की वजह से वो हिल नहीं सकती थी, तो आपने सीढ़ियों से उसको ऊपर जो है वो चार पांच चक्कर लगाने से जो है
उसकी टांगे खुलवा ली। और दूसरा वाक्य भी मैं आपको सुना चुका हूँ अकीम साहब की जलालत का, और अकीम साहब जो है वो बहुत बड़े सियासतदान और बहुत बड़े जाइए इज्जतदार और अलामा इकबाल के खास बंदे और गांधी जी के खास बंदे और कुर्ब जौहर के जो है वो बड़े खास जो है कायद आजम के खास मानने वाले और जो है ये सियासत बहुत बड़े सियासतदान और पूरे बड़े सगीर के अंदर इनका जो है चर्चा जो है वो अलाज मुआवजे के अलावा जो है वो इनकी सियासत का चर्चा था, जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो अंग्रेजों की आंखों में आंखें डाल के जो है इनको मजबूर कर दिया फरंगियों को कि हमारे तिबिया कॉलेज की बुनियाद रखो। और दूसरी जो है ये इन्होंने जो एक्ट पास किया जो है वो हकीमों के खिलाफ हकीमों की दवाइयों से ये वाला जो है कोई मसले बन रहे हैं और इस तरीके से हकीम जो है वो नीम हकीम है तो उनको उनकी आंखों में आंखें डाल के उनके गिरेबान को पकड़ के उनके जो है वो झंझोड़ दिया और ये हिंदू और मुसलमान सबको इकट्ठा करके जो है और साथ मिलकर जो है उन्होंने जो है ये बहुत बड़ा काम किया। उस एक्ट को जो है जो उन्होंने नाफज कर दिया था हकीमों के खिलाफ उसको जो है विड्रा करवाया, उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म करवा दिया कि ये एक्ट जो है ये हकीमों के जो है मुतल्लिक जो है अब जो है हम क्या जी सर्दी जो है वो हमारा हक नहीं है, जराहत हमारे डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है, डिप्लोमे को भी लिखा हुआ है, सर्जरी हमारी डिग्री के ऊपर लिखा हुआ है, हम सर्जरी नहीं कर सकते, हमने सर्जरी पढ़ी है थर्ड ईयर में हमने सर्जरी पढ़ी है तो फिर हम सर्जरी क्यों नहीं कर सकते, हमारी जो है वो हमें क्यों जजीरे बांधी जा रही है, हम जो है वो क्यों ऐसा जो किया जा रहा है, क्योंकि हमें इतिहास नहीं है, फादर तिरुपति राहत और BMS वाले ग्रेजुएट्स के अंदर इतिहास नहीं है, हर बंदा जो है वो अपने आप को अलग-अलग जो है वो सबर कर रहा है। देखिए मैंने देखा है कि ये PMA जो है पंजाब ये जो हमारे साथ है यंग डॉक्टर जो है उनके अंदर इतिहाद है और ये जितने जो है वो ये पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है इसकी तंजीम के अंदर इतिहाद है लेकिन हमारी तंजीमों के अंदर इतिहाद नहीं है। कब पैदा होगा, जब मिट जाएंगे हम, जब हमें खत्म कर दिया जाएगा तब हम इतिहाद करेंगे। और हमारे गुरबा जो है ये सोए हुए है क्या कि हमें जो है ये कोई भी हक नहीं लेके दे सकते, हमारे कोई भी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट नहीं की जा रही है और जितने भी जो है वो हमारे हकूकों को सर्व किया जा रहा है कि हम कोई सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते कोई बीमार, तो हम जो है वो हकीम नहीं है। असल में मसला ये है कि हमारे अंदर इतिहास नहीं है, हमारे अंदर वो कर्ज नहीं है, हमारे अंदर वो मोहब्बत नहीं है, हम एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। मैंने तो आज तक यही देखा है कि जितने भी जो है वो एक दूसरे की टांगे खींचते ये आगे ना चला जाए, ये आगे ना बढ़ जाए। तो मैं आपको पहले भी वाकया एक सुना चुका हूँ तो दोबारा मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरे टोबा में जो है वो उस वक्त अपॉइंटमेंट थी नया लाहौर के अंदर, 5 सीटें टोबा में जो है वो अभी भी खाली है, जिसमें जो है रोजाना की सीट है, टोबा टेक्सिंग की सीट है, गोजरा की सीट है और जो है इसी तरीके से जो है ये कमालिया की सीट है, ये सारी सीटें हकीमों की खाली पड़ी हुई है। और ये 5 सीटों जो हमने अनाउंस की थी उसमें जो है जमील गौरी साहब जो है हमारे डॉक्टर थे उस वक्त वो होम्योपैथिक थे वो तशरीफ लाए थे, तो हमारे जो है ये तिब्बा इकराम ने इंटरव्यू की डेट कॉल हुई, मुझे एज एक्सपर्ट बुलाया गया वहां पे। तो जब मैं वहां पे एज एक्सपर्ट गया और मेरे पास जो है 5 नंबर थे इंटरव्यू के अंदर और जमील गौरी साहब के पास 20 नंबर थे, वो लाहौर से तशरीफ लाए, अल्लाह उनको जो तरक्या दे और बहुत से रिटायर हो चुके हैं अब और उनकी जो है वो अक्सर वीडियो मैं देखता हूँ तो वो बहुत अच्छा जो है ये वीडियो के अंदर अपनी जो है वो लाह को बयान करते हैं और बड़ा अच्छा जितने भी जो है हकीमों के जो है वो मसाइल और डॉक्टरों के मसाइल उनका ही काम है ये ग्रेड 18 के अंदर जाइए इनको जाइए होम्योपैथिक को लेके जाना। तो हम हकीम जो अभी तक जो है वो 17 हासिल नहीं कर सके हैं, तो ये सारा जो है ये सिलसिला जो है वो उनका काम था जमील गौरी साहब का। तो वो तशरीफ लाए तो हमारे हकीमों ने जो है उनको ऐसे अल्फाज से नवाजा कि वो बेचारे जो है बड़े परेशान हुए, उन्होंने कहा कि हमने इनको इंटरव्यू नहीं दे रहा होम्योपैथिक खाना एक्सपर्ट मैं बैठा हुआ था वहां पे हकीमों का एक्सपर्ट बैठा हुआ था मैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम जो है ये होम्योपैथिक इंटरव्यू नहीं देंगे।
इसलिए जो है वो हम अभी तक 5 सीटें जो है वैसे ही वेकेंट पड़ी हुई है। और उसके बाद एक बंदा आया, मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये जो है वो हमारा ही टीम वो आया, उसने आके जो डायरेक्टर साहब को ये बात कही, तो हमारे जो है सीओ साहब भी बैठे हुए थे, उनका नाम भी नहीं लूंगा ताकि जो है ये मतलब के मसले ना बन जाए। तो वो उन्होंने जो है ये कहा कि मेरे जो है 2 बच्चे, मेरी बेटी और बेटा बैठे हुए हैं, यही इंटरव्यू देने के लिए आपके पास तशरीफ लाए हैं, बाकी सब लोग भाग चुके हैं। तो इस तरीके से जो है वो डॉक्टर जमील गौरी साहब ने, होम्योपैथ डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं नहीं इंटरव्यू लूंगा, वो जो है वो वापस तशरीफ ले गए। तो इस तरीका तो हमारा हाल है कि हमने 5 सीटें अभी तक गवा दी है। ये हमारे जो है ये हमारे अंदर जो है यूनिटी नहीं है, हम जो है ऐसे ही काम करते हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की टांगे खींचना, ये आगे ना निकल जाए। रमजान को जो है हमने पॉइंट नहीं करना, तो इसको जो है क्योंकि 42 साल का तजर्बा है, ये कहीं हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ा ना दे, हमारे स्टूडेंट्स को जो है ये कुछ आ ना जाए, स्टूडेंट्स को इनके अंदर शऊर ना आ जाए कि ये 42 साल का तजर्बा जाइए नहीं जो है वो हमें जरूरत नहीं है, हमें जो है ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको जो है कोई तजर्बा ना हो, जिन्होंने एक मरीज भी नहीं देखा हो, उनको हमने जो है वो पॉइंट करना है, जो दूध बेचने वाले हैं उनको हमने पॉइंट करना है। ये तो हमारे जो है वो काबिलियत है यहाँ पे जो है वो दूध ले बेच, असल में मसला यही है कि हमारे ऊपर जो है ये डॉक्टर बैठे हुए हैं, जब तक हमारे ऊपर डॉक्टर बैठे हुए हैं वो हमें जो तरक्की करते देख ही नहीं सकते, वो बर्दाश्त ही नहीं करते हमें, असल में मसले ये होते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ आज तक जो है। तो आगे चलते हैं जो हकीम साहब के कारनामों के अंदर जो है इलाज के कारनामे आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो इनके जो है अल्लाह ताला खुदावंद ताला ने इनके हाथ में बहुत ज्यादा छपा रखी हुई थी। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके जो है वो सवा की टुटकी भी दे दे, खाद की टुटकी दे दे तो अल्लाह ताला उनको शफा दे देते हैं। तो इसी तरीका से इनके हाथ में अल्लाह ताला बहुत ज्यादा हाफिज थे, हिफ्ज़े कुरान थे इनके अंदर, जो है वो अल्लाह ताला का नूर था, यानी कि जो है कुरान पाक इनके दिल के अंदर मौजूद था, इनका जहन जो अल्लाह ताला ने खोल दिया था। इस तरीका से जो है ये तशखीस जो है इनकी बहुत बेहतरीन थी। सिविल सर्जन तो इनके आगे जीरो थे, ये हीरो थे, जो भी इनकी तशखीस होती थी 100% दुरुस्त होती थी। इनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत रखी थी कि मरीज को दूर दूर से आते ही पहचान लेते थे किसको ये मर्ज है। एक दफा डोली में बिठा के 4 लोग जो है, असल में बहुत से ऐसे जो है वो हमारे यहाँ पे भी रजाबाद के अंदर राहत शाह साहब हमारे यहाँ पे इमाम बारगाह के जो है ये जाकर है, तो उनके घर में मैं जब भी जाता हूँ तो वो अपने वालदा या बेगम को या किसी को भी चेक करवाना हो तो पूरे जिस्म के ऊपर वो कपड़ा डाल देते हैं और सिर्फ जो उनकी नब्ज को नंगा करते हैं और मैं नब्ज देख के तशखीस करता हूँ। तो आज भी अल्लाह का शुक्र है मैं वो जो मैनेजर साहब की नब्ज देख के तशखीस कर दी कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो मेरी इस नब्ज देखने की तशखीस से हरा रह गए कि आपका इतना नॉलेज होने के बावजूद जो है आप खुद पानी लेने आ रहे हैं। मैंने कहा मुझे अपने बच्चों के लिए जरूरत होती है, तो इसलिए जो है तो हकीम साहब का नॉलेज के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इनकी जो है वो बड़ी जबरदस्त नॉलेज थी। तो इसी तरीके से नब्ज मैं उनकी देख के तशखीस करके उनको दवाई तजवीज कर देता हूँ, तो इसी तरीके वो मुझे मतलब इतना ज्यादा उनके घर में पड़ता है। तो इस तरह से डॉली में बैठा के जो है कुछ खवातीन को लाया गया, उनके यहाँ पर्दा था, मतलब वो जो है हमारे यहाँ पे जो है कुछ बरेसगीर के अंदर ऐसी चीजें हैं। तो एक औरत जो है वो खांस रही थी, तो हकीम साहब ने कहा कि इसको दिक है, सिल दिक है, यानी कि टीबी है। तो इस तरीके से जो है उनकी खांसी से अंदाजा कर दिया। तो इसी तरीके से जो है जब उनकी तशखीस की गई तो वाकई उनको दिक थी। तो इसी तरीके से जो है और बहुत से ऐसे वाकयात है। तो इसी तरीके से जो है ये खैरपुर के एक नवाब साहब जो है वो हकीम साहब के पास तशरीफ लाए, तो नवाब साहब ने जो है वो डायबिटिस के अंदर मुबतला थे, तो डॉक्टरों ने जो है उनको जो है उमर लफाइसिया जो है तशखीस किया था, लेकिन हकीम साहब ने जो है वो उनकी दिक्कत और सलामत को मद्देनजर रखते हुए जो है वो इनको जो है गलत तशखीस का, तो इनको जो है वो असल में जो है वो सिल्दिक रेवी है। तो इसके मुताबिक जो है हकीम साहब ने जब मुआयना करवाया, एक जो है सखर से जो है वो सर्जन, मैं तो उनको सर्जन ही कहूँगा, जो हमारी जराहत को जो है नहीं मानते,
हम जराह है, हम जो है बेहतरीन सर्जन है, हमारी डिग्री के ऊपर जराहत लिखा हुआ है, हमारे डिप्लोमे को अंदर जराहत लिखा हुआ है, तो फिर हमें क्यों बांधा जा रहा है, हमारे जो है ऊपर क्यों पाबंदियां लगाई जा रही है। तो तिब्बत जो है ये देख के हैरान रह गए कि हकीम साहब ने बगैर जो है वो किसी बात के जो है कह दिया कि इसको जो है जरासीम जो है वो सीसा की वजह से पैदा हुए हैं। तो हकीम साहब ने जो उनके ऊपर इलाज किया तो उनको जो एक तरफ सिविल सर्जन साहब इलाज कर रहे थे और दूसरी तरफ हकीम साहब इलाज कर रहे थे, तो हकीम साहब की दवाई से जो है उनको 90% फायदा हो गया, जबकि सुरजन साहब जो इलाज कर रहे थे उसका सांस रुक रहा था बार बार। अक्सर यही होता है हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर जो है ये मैं आपको बताऊं कि ये जो एंटीबायोटिक देते हैं ना, मैंने इनकी एक जवेद इकबाल इनका राइटर है, इनकी दवाइयों का राइटर है, वो ही जो है वो बताता है कि जो है वो ऐसे गले खराब होने की सूरत में आप जो है वो बेतुका एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाते हैं, स्वामीन सुरपिकोल और इस तरह के छोटी मोटी चीजें जो है ये बेहतरीन काम करती है, तूत स्याह काम करता है, लौकिक पिस्ता काम करता है, लौकिक ख्याल संबर काम करता है, और हजारों हमारी दवाइयां जो है वो काम करती हैं। रेवी के अंदर जो है वो शरबत अहमद शाही काम करता है, तो और इसे टेंजर बेंजर को मैं मरीजों को देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है बलगम बाहर आ जाती है। हम बलगम को रोकते नहीं बल्कि कुदरत से हम जो है वो कुदरत का साथ देते हैं कि बलगम निकले, चीजों को निकालते हम वो जाम कर देते हैं, खत्म करते हैं जी, एंटीबायोटिक दे के जो इसको सड़ दो, वो साड़ 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 वो पता क्या होता है बलगम जाम हो जाती है। अब पहले तो उसको जो है ये खांसी हुई नजला जुकाम हुआ उसको रोक दिया इन्होंने, फिर सांस का जो मसला बन गया उसको दमा हो गया, दमे को जो है उन्होंने जो है वो और रोक दिया, फिर जो है वो टीबी हो गई, टीबी के बाद उन्होंने और रोका इसको, टीबी के बाद उन्होंने लंग्स कैंसर कर दिया, और यही इनका काम है सारा दिन यही जो है ये चलता है। एक्सपेक्टोरेंट तो अब इस्तेमाल करना उन्होंने छोड़ दिया, और ये सारा जो एसिटिलीन जो जितने भी जो जितने भी कोडीन कफ शरबत जो है कुरैक्सडी देते हैं उससे जो है क्या होता है जो है वो हिस्टामोल डी देते हैं, ये सारा कुछ जितनी भी चीजें देते हैं उससे बलगम को जाम करते हैं, और बलगम को जाम करने से जो है वो बलगम फेफड़ों के ऊपर जमा हो जाती है, और फिर उसका टीबी टेस्ट करवाना शुरू होते हैं, किसी का मोल्टा टेस्ट करवा देते हैं, किसी का जो है ये जीन एक्सपर्ट में करवा देते हैं, किसी का स्पूटम जो है ये उनको उधर लगा देते हैं। तो ये इस तरह लगे रहते हैं लोग बेचारे, एक बंदा जो है बेचारा सुबह आता है सारा दिन यही काम में लगा रहता है कि चले जी वो टेस्ट करवा दे, डिटेक्टेड है नॉन डिटेक्टेड है जी, अब डिटेक्टेड हो गया है तो अब 6 माह जो है अब इलाज करवाए, 6 माह के बाद जो है रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, तो रेजिस्टेंस पैदा होने के अलावा इनका जो है एक डिपार्टमेंट है वहां पे भेजे जी। तो इस तरीके से अजीब जो है सिलसिला जो है वो हर वक्त जारी रहता है। तो अल्लाह इनसे माफी दे और अल्लाह इनको मरीजों को हदायत दे के वो इन लोगों के पास जो है वो कोशिश करेंगे हकीमों के पास जाए, इन लोगों से बचे। ये मुस्तकिल दवाइयां लगाते हैं कि आप खाते जाए, और ये कारोबार है इनका, तो ये कारोबारी सिलसिले में जो है वो आपको जाए, ना इनको पता है कि सिर रेवी है, ना इनको ये पता है कि जिकुल नफ जो है दमवी है, ना इनको पता है कि जिकुल नफ जो है वो एलर्जिक है, और ये ना इनको पता है कि जिकुल नफ जो है वो कलवी है। ये बस एक ही मोड़ था उसके अंदर जो है ठा के अंदर जो पता क्या है उसके अंदर मेंट्रोलीन है जी, बस एक ही दवाई इनके पास है जी जिसको जो है वो सांस की वाली नालियां खोल दी तो दमे को जो है फर्क पड़ गया, या डेल्टा कार्टर देते हैं उससे जो है जिसम फूलना शुरू हो जाता है जी। इसके अलावा जो है स्टीराइड के अलावा हमारे पास कोई हल ही नहीं इसका, तो भाई खुदा का खौफ करे हजारों हल है, कभी सोचे तो सही कभी देखे तो सही। जिको नफ्स कल्बी का लहदा इलाज है, जिको नफ्स देवी का लहदा इलाज है, जिको नफ्स जो है वो एलर्जी का लहदा इलाज है, हसासी का, ये सारे अलहदा अलहदा चीजें हैं भाई, आप इनको समझते ही नहीं है। ब्रोंकोडायलेटर ये क्या बुला है ब्रोंकोडायलेटर, क्यों कहाँ तक खोलेंगे आप ब्रोंकाई को, कहाँ तक खोलेंगे, कितनी ज्यादा आप स्टीराइड दे दे के इनको खोलते जाएंगे, ये कितनी ज्यादा एक्सपेंड हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद जो है इसको जो है वो ऑक्सीजन पे लगा देते हैं जी, चलो ऑक्सीजन दो इसको भी,
हमारी समझ से तो बातें सारी बाहर है कि जब तक बलगम निकलेगी नहीं उस वक्त तक यह मरीज को सुकून नहीं होगा। और हमारे निशानदेह जो बेहतरीन काम करते हैं, खतमी खबाजी बेहतरीन काम करता है, गुलबरक्षा बेहतरीन काम करता है, हमारे तमाम दवाइयाँ बेहतरीन काम करती है, लेकिन अल्लाह इनका भला करे। तो इस तरीके से जो है असल में लोग जो है ये चाहते हैं कि हमें जो है फौरी तौर पर जो है आराम मिल जाए, कल ये कटोए जल्दी के आगे जो है नुकसान होता है। जब भी वो जल्दी को बंदा कोशिश करता है उसको जो है वो अपने खुद ही नुकसान पहुंचा देता है। भाई करोड़ों रुपए का आपका जिस्म है, एक आंख आप बेच ले चले मुझे बेच दे आप मेरी, मैं आंखों को लेने के तैयार हूँ, आप अपने फेफड़े को बेच दे, करोड़ों रुपया आपका जिस्म है। जब आप जो है वो अच्छी गुजार खाते हैं, वहां अच्छे होटल में जाते हैं, जब दवाई ले ली है तो मेडिकल स्टोर पे 5 रुपए की दवाई करोड़ों दे रहे हो जी। और भाई अपनी सेहत के लिए किसी अच्छे हकीम को चेक करवाएं, क्या प्रॉब्लम है आपको, वो लगा हुआ है डेल्टा कार्टर वो पीस पीस के देता जा रहा है, किसी को कैप्सूल में भर के देता जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ये इलाज तो नहीं है। तो हदायत थे हम तो यही कहते हैं जी। तो हाजकुल मुल्क जो है बहुत ज्यादा जो है ये इन्होंने उसका इलाज किया, तो उनको 1000 रुपये उस वक्त का बहुत बड़े पैसे थे, तो नवाब साहब ने जो है उनको जो है अता किया, लेकर हकीम साहब ने 1 रुपया भी लिया। उन्होंने कहा नहीं, मैं अल्लाह की राह पे इलाज करता हूँ और मैं पैसा नहीं लेता इन इलाजों का, आप जो है नवाब हो गए अपने घर में होंगे, आप जो है जो भी है अपने घर में होंगे, मैं जो है वो अपने असूलों पे जो है वो कायम रहता हूँ। तो अल्लाह ताला मुझे बहुत से जो है वो देते हैं। तो इसलिए जवाब सुनकर जो है वो नवाब साहब चले गए, तो हकीम साहब का इस तरीके से जो है उनका इलाज किया, उनके फेफड़ों से जो है वो मोटी मोटी बलगम निकाली, और इस तरीके से जो है वो हकीम साहब ने इसका जो है वो इलाज किया बड़ी आसानी से, और आखिर में उनको जो है कुश्ता फुलाद और द्वारे जलूस और डिप्टी साहब वाली जो है वो दवा उनको इस्तेमाल करवाई। तो हकीम वासन साहब ने उनसे पूछा भी इसको उनको क्या मसला था, तो हकीम साहब ने बताया कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, इनको जो है असल में बलगम जाम करने वाली सुरजन साहब ने दवाई दी थी कि ताकि इनकी बलगम जो है वो जाम हो जाए, सुरजन साहब ने। तो सुरजन साहब ने जो है इनको जो है बलगम जाम करने वाली दवाई दी थी, तो मैंने कहा बलगम निकालने वाली दवाई दी, निशानदा वगैरह दिया, तो उससे जो अल्लाह ने शफा दे दी, और तो कोई मसला नहीं था इनको। तो इसी तरीके से जो है एक दफा हकीम साहब रात को जो है किसी घर में जो है बुलाए गए, तो हकीम साहब ने अपने शिगिर्द को भेज दिया कि जाओ देखाओ, तो सुबह मैं देखूंगा। तो उसने जो आके जो है वो कहा कि इनको जो है वो उस मरीज को नाकी दौरा जो है पड़ा हुआ है, तो हकीम साहब ने उसको जो है वो मुश्क जो है वो 4 माशा और अरग गौजबान के अंदर हाल करके फुलाने की तजवीज़ पेश की, उसको गर्शी थी। तो जब उसको पिलाया गया तो उसको जो है खातर का फायदा ना हुआ, तो हकीम साहब जब खुद तशरीफ ले गए तो आपने उसकी नब्ज देखी, तो कहा कि इसको बेटा फालज है, इसकी फालज की इब्तदा है इसको, तो फिर फालज वाली इसको इलाज किया गया, क्योंकि इसकी नब्ज जो है वो अजीम और सरी थी। उन्होंने कहा कि फालज जो इब्तदाई होता है उसके अंदर जो है वो नब्ज जो है वो सरी और अजीम होती है। तो इस तरीके से जो है आपने माहौल असल इसके लिए तजवीज किया, तो मरीज को 90% जो है बेहतर होगी, और बाकी जो है किस्सा बदल के इसको जो है वो जोग्राज गोबल खाने की हदायत की, और रोग ने कुचला और रोग ने कुश जो है दोनों को मिलाकर जो बाजू सुन हो रहा था उसके ऊपर मालिश की तजवीज की। जौहर मुनक्का के जो है वो हकीम साहब ने बहुत ज़्यादा फायदे उठाए, और इसमें जो है खास तौर पे जो है ये किसी को अगर दरीना आक्षिक है तो उसके लिए जो है जौहर मुनक्का जो है बहुत ही मुफीद उन्होंने साबित किया। जैसे कि ये वाले जो है ये हमारे भाई तजर्बा कर रहे थे उस वक्त जो है ये इनकी एक दवाई है सेक्स के लिए जो ये देते हैं, तो इसी तरीके से जो है हकीम साहब के शिगिर्दों ने जब जौहर मुनक्का दिया तो इसमें जो है वो तेजी आ गई सेक्स में जो है। तो हकीम साहब ने बताया कि जब जो है आर्थिक होती है तो खून के अंदर जो है वो सुस्ती आ जाती है, और उज़्व मखसूस की तरफ खून जाना जो है वो कम हो जाता है, रियाज ज़्यादा जाती है। तो ये दवाई देने से जौहर मुनक्का देने से जो है ये
बेहतरी आ जाती है। तो इस तरीके से आप ये दवाई जो है फालज लकवा एक्लाजुल कलब वजल मफासल बवासीर रही और नसूर मकद के और इसी तरीका से जो है ये गुद्दी मजी के लिए जो है बरम के लिए देते थे। जोहरे जो है ये मनक्का आपने जो है वो खुद तैयार करके लोगों को देते थे। इसी तरह से जो है आपने जो है वो अजमत जिगर यानी कि जो है लार्मेट ऑफ लिवर का जो है बेहतरीन इलाज किया। इसमें जो है आपने जिगर का बड़ा हुआ था एक मरीज आपके पास तशरीफ लाया तो आपने इसके लिए जो अफसतीन और निशातर वाला नुस्खा इस्तेमाल किया। इसमें के अंदर जो है वो आठ पैरी अजवैन दी, अजवैन को भिगोकर पानी के अंदर उसको आठ पैर जो है वो धूप में रखा जाता है और उसके बाद उसको निचोड़ के उसको पुन छान के जो है मरीज को दिया जाता है, लेकिन फायदा ना हुआ। आखिर में हकीम साहब ने उसको जो है ये मजूर खूबसूरत दी और जवार छुलाफली दी जिससे जो है वो आठ रोज में मुकम्मल तौर पर जो है वो जिगर के तज़म के अंदर जो है वो तब्दीली आ गई और जिगर अपनी जगह पर जो है वो वापस चला गया। इन लाजमट और निफर जो है वो अपने जो है वो मुकाम पर पहुंच गया और मुकम्मल तौर पर जो है जैसे पहले काम कर रहा था तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरीके से हकीम साहब ने दवा का जो है वो इलाज किया, जिक्र नफ्स का इलाज किया। दवा को हम जो है वो अस्थमा अंग्रेजी जबान में कहते हैं और हम इसको जिक्र नफ्स कहते हैं, उर्दू में इसको जो है वो दवा कहा जाता है। तो इसमें जो है ये हकीम साहब के पास एक मरीज आया तो आपने जो है उसके तमाम चीज़ों को सुना और उसके बाद एक शिगर्द को जो है वो उसमें लगा दिया कि इसको जो है ये चेक करता रहे और आपने उसको जो है क्या वर दवाई दी। नक्शुद्दम और कैव दम के अंदर जो है थोड़ा सा फर्क होता है, मेरे भाई जानते हैं कि कैव दम जो है हीमोफ्राइटिस और ये जो है इन दोनों में फर्क होता है। तो इस तरीका से जो है आपने देखा कि इसके जो है बहुत ज्यादा जो है बलगम दिमाग और सीने से निकली तो तीन चार घंटे बाद इसमें जो है बहुत ज्यादा दवाएं मनक जो है वो मनक्का आपने इसको जो है एक खुराक दी तो जिसकी वजह से क्या आनी शुरू हो गई। क्या आने से जो है बहुत ज्यादा जो है बलगम वगैरह खारिज हुई और उसके बाद जो है आप जब बेहोशी हुई तो उसको प्यास संगा के आपने होश में लाया तो प्यास संगाने से जो है मरीज हम बाल का स्प्रिटोमोनिया एरोमेटिक जो है संगाते हैं लेकिन प्यास संगाने से भी जो है वो मरीज होश में आ जाता है, उसकी खुशबू पंजेंट होती है जो सूंघने से दिमाग के अंदर जो है वो इरिटेशन पैदा करती है और इससे मरीज जो है वो होश में आ जाता है। तो इसी तरीके से जो है फिर दोबारा जो है शदीद क्या होने लगी तो इस तरीके से तमाम बलगम निकल गया और मरीज जो है मुकम्मल तौर पर जो है सेहत बंद हो गया। तो इसके बाद आपने जो है वो इसको ताकत के लिए मुख्तलिफ अद्वियात जो है वो तजवीज़ की जिसमें जो है वो ज्वार शाही और मुर्ग का शोरबा वगैरह जो है वो शामिल है। इस स्काय जकी का जो है वो आपने बेहतरीन इलाज किया जिसमें जो है वो मजूर खूबसूरत अदीद और जवारिश बिलबासा आठ पैर जवैन के साथ इस्तेमाल करवाया तो इसका शिकम जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता जो है पानी खत्म हो गया। इसी से पेट के अंदर जो है पानी पड़ जाना जो है उडीमा इसको कहते हैं अंग्रेजी जबान में तो ये जो है वो सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जो है उसका उडीमा जो है ठीक हो गया। सरा जिसको मुर्गी भी कहते हैं एपिलेप्सी भी कहते हैं इसका इलाज भी हकीम साहब ने किया बड़े अच्छे तरीके से किया। तो इसमें जो है उन्होंने जो है वो एक दवा होती है हमारी जो है जिसको हम जो है वो काली दवा कहते हैं तो काली दवा इसको इस्तेमाल करवाई जिसमें जो है ये मुर्ज से बलगम होती है बेसिकली तौर पर तो ये जो है इसके दस्त आवर जो है इसमें उन्होंने तुर्किया किया और काली दवा से जो है जलाब आवर दवा का इस्तेमाल किया और इसके जो है दिमाग का और तरीका से जो है जिसम का तुर्किया करने के बाद इसको सहाल आए और उसको जो है मुकम्मल तौर पर जो है ये एक हफ्ते के अंदर जाइए सरा यानी कि एपिलेप्सी और मिर्गी की जो है वो शफा हो गई। तो इसी तरीके से जो है शदीद बुखारों में जो है मुसलात का इस्तेमाल जो है करने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इसलिए शदीद बुखारों के अंदर जो है मुसलात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो हकीम साहब ने जुजाम का इलाज किया और इसी तरीका से जो है नब्ज़ से हमल की तशखीस की
और इजहार तशीस तमीम का फर्ज है, तशीस और तजवीज जो है वो वकील का हक है, और सीरी दुआएं जो है पैपल्ट दुआएं जो है इनकी जो है वो, और हकीम का साहब के जो है मुख्तलि अरसादात जो है बहुत ज़्यादा जो है वो मुफीद है। एक मरतबा एक मरीज जो है मतब पर आया जिसको जो है रिहा इंग्लीस की जो है मर्ज थी, तो इसमें जो है वो हिचकी और डकार वगैरह जो है वो आ रहे थे, तो इसके आपने जो है मुलाकात मतब के अंदर से जो है वो आपको दवाई दी लेकर फ़ायदा ना हुआ, तो इसके बाद जो है आपने जौहर मुनक्का इसके लिए तजवीज़ किया, और असूली तौर पर ये दवा आपको तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन इसके बाद जौहर मुनक्का से फ़ायदा हो गया। तो इसी तरीके से मेरे पास एक इनकम टैक्स वाले जो है वो तशरीफ लाए, तो इनकम टैक्स के वो ऑफिसर थे, तो उनको जो है ये यही मसला था रिया का, तो रिया जो है वो उनकी बड़ी ज़ोर से खारिज होती थी, तो मैंने उनको जो है त्रिफल दीदार तजवीज़ की, तो वो उन्होंने जो है तीन दिन खाने के बाद उनका ये मसला हल हो गया, तो उन्होंने मुझे चार किताबें जो है वो तोहफा तन हदिया तन तबरका तन दी, जो दीनी किताबें हैं और मैं उनको पढ़ता हूँ, बड़ी मुफीद किताबें हैं, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ और वो मेरे मशहूर हैं, तो उन्होंने मेरा इलाज मेरे जो है वो मेरे इलाज से उनको फ़ायदा हुआ। तो बहुत से जो है वो हुक्मा हजरात जो है वो इस तरीके से उन्होंने बहुत से डॉक्टरों से दवाई खाई थी। इनकम टैक्स ऑफिसर जो है सॉरी एक्साइज टैक्स ऑफिसर थे ये वाले जो होते नहीं ये वाले जो लगाते हैं ये वाले जो बाहर से आते हैं उनको लगाते हैं ये वाले जितना भी सामान बाहर से आता है उसको लगाते हैं एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं वो ऑफिसर थे, तो अल्लाह ताला ने उनको छुपा दी। इस तरह से हजारों मरीज जो है वो हकीमों के पास जब आते तो अल्लाह ताला उनको शफाए कामला अजला अता फरमाते हैं। तो आज हमारा हकीम साहब का जो है और बहुत से इनके कारनामे हैं जो हम बयान जो है वो करते रहेंगे, तो इस तरह से जो है मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का और अपने भाइयों और ख़ास तौर पर अपने दोस्तों का, तो इंशाल्लाह जो है अल्लाह ताला जो है ये हमारे कामों के अंदर बरकत डाले और हमें जो है ये हुकूमत के साथ जो है मामलात को तय करने में अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए और हमें जो है वो मुकाम अल्लाह ताला हमें दे जिसकी हमें जो है वो ख्वाहिश और ज़रूरत है। एक हकीम का मुकाम जो है असल में जो है ये बहुत बड़ा है, पहले ये लोग फरंगी की औलाद नहीं हुआ करते थे, अब ये लोग हैं, अल्लाह ताला इनसे हमें बचाए और अल्लाह ताला इनसे हमें निजात दिलाए और अल्लाह ताला जो है वह हमें अपने सही मानों में, क्योंकि WHO ने खुद कहा है कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वहाँ पे जो है आपका इलाज जो है मौजूद है, ये WHO का जो है वो कहना है। दुनिया में जो चीज़ें बंद हो चुकी हैं वो हमारे मुल्क में राइज है, और ये जितनी भी जो अभी कल बात हो रही थी घी के बारे में, लेक्चर के बाद एक मरीज आया तो वो किसान घी मिल में काम करता है, वो कहता जी कि P6 और P10 जो है वो घी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और घी कहाँ से वो निकलता है, जितनी मुर्गियों की जो होती है ना ये ग्लाजर जाती है तो उसको जो है दोबारा उसको साफ किया जाता है, उसमें से घी निकाला जाता है, उसमें जो है ये सफाई के लिए उसको कास्टिक सोडा वगैरह डाला जाता है, कास्टिक सोडा डालने के बाद उसको जो है गंदगी से साफ किया जाता है, और जितनी मरतबा इसको जो है ये प्लांट के अंदर डाला जाता है उतना रिफाइंड जब हम करके इसको बेचते हैं तो उतनी कीमत उसकी ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरीका से जो है जाली घी पाम ऑयल और ये हमारे लिए जो है वो मुसीबत का बायस है, तो अल्लाह ताला हमारी हुकूमत को और हमारे जो है ऐसे बिजनेस मैनों को जो है वो हदायत दे और अच्छी गज़ा हमें जो है मुहैया करे, अल्लाह ताला इनको जो है ये हदायत दे कि वो कमाई की बजाय जो है वो इंसानी सेहत के मतलब जो है सोचे, तो इसलिए जो है वो गज़ा जो है वो हमारी बेहतर होगी तो हम जो है वो बीमारियों से बच सकेंगे। जो ये जो पाम ऑयल है उसको पाकिस्तान में इस्तेमाल करने का जो है वो ममनू करार दिया जाए, और यहाँ पे जो दुनिया में तेल नहीं बनाते उससे साबुन नहीं बनाते उस तेल से वो हमें खिलाया जा रहा है, तो इसलिए हम जो है वो कार्डियोलॉजी बड़ी पड़ी है, हमारे कार्डिक सेंटर बड़े पड़े हैं, हम रोज ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा खा के जाइए हमारे मरीज तंग हो रहे हैं, तो असल में गजा जब तक बेहतर नहीं हो सकती हमारी दवाइयाँ जो है उस वक्त तक कारगर नहीं होंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का और मेरे दोस्तों भाई।